Indian boxer Lovlina Borgohoi got the bronze medal after going down to top seed Buzanes Surmenali of Turkey in the women's welterweight semi-final today. She's won the bronze medal for India. Thank you very, very much for joining me on the broadcast, Lovlina. Lovlina, pehla sawal aapke liye is waqt. Give us your first reaction. फर्स्ट रिएक्शन बोलूँ तो आज वैसे मेरा सेमीफाइनल था. सेमीफाइनल में मैंने लॉस किया तो ये सब मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि मेरा मेन एम गोल्ड का ही था. लेकिन फिर भी मतलब ओलंपिक में मेडल लेना बहुत बड़ी बात है तो फिर देश के लिए मेडल ले पाई इसके लिए तो मैं खुश हूँ. लेकिन मैं जितना चाहती थी उतना नहीं कर पाई उसके लिए मैं थोड़ा दुखी हूँ. लेकिन आप सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड हैं, आपके लिए एक बहुत लंबा बॉक्सिंग करियर आपके सामने है. इसके बाद आगे का पड़ाव क्या है लवलीना? द ओलंपिक्स आर ओवर, यू वन द मेडल, इसके बाद क्या प्लान किया है आपने, कुछ सोचा है? इसके हाँ, नेक्स्ट प्लान तो अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो स्टार्टिंग है मेरा. नेक्स्ट 24-28 ओलंपिक के लिए ही मैं तीन ओलंपिक गोल्ड का मेरा एम था. लेकिन इस ओलंपिक में तो गोल्ड नहीं ले पाई तो नेक्स्ट जो दो ओलंपिक होगा मैं उसमें गोल्ड लेने मतलब मेरा जो एम है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी. लेकिन अभी उसके बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स है, उसमें मुझे अच्छा करना है और मेडल ला के मुझे इंडिया का नाम और ऊंचा करना है. लवलीना, आप बहुत सारे चैंपियनशिप्स में मेडल लाए हैं इंडिया के लिए, लेकिन क्या आप बोलेंगे कि ओलंपिक्स में मेडल लाना एक अलग ही बात है, एक अलग ही फीलिंग है क्योंकि आप ओलंपिक्स पोडियम में शामिल हुए थे? हाँ, अलग तो है क्योंकि जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तब से बस एक ही एम था कि ओलंपिक खेलना है और जीतना है बस. तो उसी को आगे रख के मैंने जितना भी कंपटीशन खेला है हर किसी में हारती भी थी, मैं खुद को मनाती थी कि मुझे ओलंपिक में जीतना है. तो ये बहुत मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है ओलंपिक में मेडल लेना क्योंकि इतना सब कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए इतना सब कुछ छोड़ा है मैंने सिर्फ ओलंपिक का सोच के ही. तो मेरे लिए हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. इस वक्त आपने आपके पेरेंट्स के साथ बात किए हैं, उनका क्या कहना था आपके इस ब्रॉन्ज मेडल विनिंग फीट पर? मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही ज्यादा खुश है, उन लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे से बात करने के लिए क्योंकि इतने लोग हैं घर में, इतने भीड़ है तो उनको ही नहीं मिल रहा है बात करने के लिए. बस एक दो मिनट का ही बात होते हैं, इतना भीड़ है कि बात ही करने को नहीं मिलते. मम्मी, मैंने सुना कि पिछले कुछ टाइम से उनका तबीयत ठीक नहीं था, अभी वो कैसे हैं और आपने क्या मम्मी से बात किया है? क्योंकि मैंने सुना कि उनका किडनी में प्रॉब्लम था एंड यू हैड टू लुक फॉर अ डोनर फॉर हर. हाँ, उनका किडनी का प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम पे. मुझे बहुत खराब लगता है क्योंकि उस टाइम पे मुझे उनके साथ रहना था और मैं नहीं रह पाई. जिस दिन ऑपरेशन हुआ था बस एक दिन में ऑपरेशन में गई लेकिन उनसे नहीं मिल पाई क्योंकि ऑपरेशन के टाइम उनको मिलने नहीं देते हैं और दो तीन दिन तक ही मिलने नहीं देते ऑपरेशन के बाद भी. तो बस एक दिन के लिए मैं बस जाके आ गई हॉस्पिटल से तो उनसे मिल भी नहीं पाई और एक साल ही होने वाला है, घर भी नहीं गई मैं. तो बहुत खराब लगता है कि ऐसा सिचुएशन में खुद को मैं मोटिवेट करना पड़ता है कि ठीक है कि कुछ भी हो कि मुझे पहला ओलंपिक के लिए सोचना है, मम्मी ठीक हो जाएगी. खुद को ऐसे समझाना पड़ता था कि मम्मी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं. तो और अब जब बहुत खराब लगता और अब जब आपका मेडल आ गया है, आप जब पोडियम में खड़े हुए थे, मेडल लिए पोडियम में, उस वक्त क्या आ रहा था आपके माइंड में, क्या सोच रहे थे, कुछ सोच था आपके माइंड में, क्या लग रहा था? वॉज इट अ मोमेंट ऑफ रिलीफ या फिर बहुत ज्यादा खुशी था? नहीं, अभी तक मेडल दिया नहीं है, मिला नहीं है. हम लोगों का जो फाइनल मैच हुआ वो 7 को खत्म होंगे, उसके बाद ही मेडल मिलेंगे. तो नहीं, मैंने आर यू ड्रीमिंग ऑफ दैट पोडियम मोमेंट? अब पहले तो बहुत सोचा है लेकिन गोल्ड मेडल के साथ मतलब बहुत सोचा था, लेकिन अभी ब्रॉन्ज होंगे तो अभी तो सोचा ही नहीं है. लवलीना, मैंने ये सुना है कि आप का मेडल आने के बाद, आपके मेडल की जब बात हुई, आपने जब मेडल अश्योर किया था तो वहां पे गांव में रोड्स बनने लगे थे, गांव में आपको वेलकम करने के लिए
तरह तरह की चीजें होने लगा। आपका मेडल सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि एक सोशल इम्पैक्ट है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपने चेंजेस देखा है मेडल लाने के बाद? हाँ, बहुत चेंजेस देखा है। मतलब पहले तो हमारे असम में मैं पहली लड़की हूँ, तो इससे ही पहली लड़की जो क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए और पहला मेडलिस्ट हूँ जो असम से पहला मेडल लिया है ओलंपिक में। मतलब तो असम के लोग इतना खुश है, इससे मेरे लिए इतना प्रे किया है सब लोग। मतलब जब मुझे मेडल मिला सब लोग डांस कर रहे थे, तो मैंने देखा तो नहीं लेकिन मम्मी पापा ने बोला है कि इतना हल्ला हो रहा है और इतना मतलब सब इतना खुश है, मम्मी पापा इतना खुश है। तो हाँ, बहुत कुछ चेंजेस आते हैं। पहले कोई जानते ही नहीं थे, अभी बस सब मेरे लिए प्रे कर रहा है। हाँ, बहुत कुछ चेंज आते हैं। लवलीना, हमने देखा है मीराबाई चानू गेम्स के पहले दिन उनको मेडल मिला, वो भी नॉर्थ ईस्ट से है, मणिपुर से है। क्या कुछ है खास बात है ये नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों में जो स्पोर्ट्स में आजकल इतना अच्छा करने लगी है, और यू नो मैरी कॉम से शुरू करके आप सब एक के बाद एक ओलंपिक्स में मेडल लाने लगे हैं? नॉर्थ ईस्ट में मतलब इतना पहले ऐसे लोग तो पहले इतना स्पोर्ट्स में आते ही नहीं थे, और लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि इतना गांव का हालत है, इतना मतलब अंदर का हालत बहुत खराब है, तो लोग सोचते ही नहीं है बहुत ऊपर का कुछ सोचने का। तो जो जिस लोगों को चांस मिला है स्पोर्ट्स में, तो वो लोग बहुत अच्छा किया है अभी तक। लवलीना, आपको लगता है कि स्पोर्ट्स एक जरिया है अपने जिंदगी बदलने का, और यही वजह है आपने भी स्पोर्ट्स चुना कि आपने देखा कि अगर स्पोर्ट्स करे तो आपकी जिंदगी आपका हालत बदल सकता है? हाँ जी, पहले तो स्पोर्ट्स के इतना नहीं पता था कि स्पोर्ट्स से क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी जब धीरे धीरे पता चला स्पोर्ट्स क्या होता है, कैसे होता है, ओलंपिक क्या होता है, तो हाँ इससे लाइफ चेंज हो सकता है मुझे लगता है। और हम यही एक मतलब वो है जिससे हम देश का नाम इतना ऊपर ला सकते हैं। लवलीना, आपको ये भी बात पूछना है कि आपके मेडल से एक सोशल इम्पैक्ट हुआ है, रोड्स बने हैं अभी, शायद यू नो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लीन वाटर सब कुछ आपको मिल पाएगा, लेकिन पर्सनली आपका जर्नी अभी शुरू ही हुआ है। सब कहते हैं कि ओलंपिक के बाद जो एक पीरियड रहता है वहां पे एथलीट्स मेडल जीतने के बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या करें, क्योंकि इतने समय तक ट्रेनिंग कर रहे थे, एक शेड्यूल में ब्रेक होता है, सब कुछ ब्रेक हो जाता है, लेकिन वो जो ब्रेक है, अभिनव बिंद्रा ने भी कहा है कि उस टाइम में मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। आपने क्या एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है जिस पर आप यू नो जिससे आप स्ट्रेंथ डिराइव कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक के बाद खासतौर एक 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 डेढ़ महीने कुछ करने का नहीं रहता है? हाँ, अभी मेरा मुझे लगता है कि मेरा तो स्टार्ट ही हुआ है अभी, क्योंकि मुझे और दो ओलंपिक खेलना है, तो मैं अभी हाँ मैं ब्रेक लूंगी क्योंकि इतने सालों से ब्रेक ही नहीं लिया। तो अभी एक डेढ़ महीने का मैं ब्रेक लूंगी, फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगी और जो एक दो चीज सोच के रखा है वो भी करूंगी। लेकिन मैं बीच में मतलब ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं एक दो महीना एकदम ही ट्रेनिंग नहीं करूंगी उससे मेरा परफॉर्मेंस मतलब फिर से स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसी बीच अपना दो टाइम नहीं होने से भी एक टाइम तो मैं कर ही सकती हूँ जो अपनी फिटनेस के लिए। बिल्कुल, वो तो छोड़ना तो है ही नहीं। लवलीना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एंड होप दैट योर ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग विद अ गोल्ड कम्स ट्रू इन पेरिस। यहां पर नहीं हुआ, बट यू स्टिल विल कम बैक विद अ मेडल, विद अ ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। आपको, आपके फैमिली को, सबको, आपके लिए जिन्होंने काम किया है सबको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।